कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्रियों की रैलियों के लिए बसों के इस्तेमाल को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब लाखों मजदूर पैदल चलकर अपने गांव लौट रहे थे, तब भाजपा सरकार ने मजदूरों को बसें मुहैया नहीं करवाई थी। उन्होंने कुछ अखबारों की खबरों का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए निशाना साधा है। उन खबरों में बताया गया है कि पीएम मोदी की रैलियों के लिए सरकारी बसों का इंतजाम किया जा रहा है। एक खबर में बताया गया है कि 19 नवंबर को महोबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए 1600 बसों का इंतजाम किया जा रहा है। इनका खर्च सिंचाई विभाग उठाएगा। इसके साथ ही बताया गया है कि जिला प्रशासन ने परिवहन विभाग से भी बसें मांगी हैं। वहीं दूसरी खबर में बताया गया है कि आजमगढ़ में रैली में भीड़ जुटाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग से 40 लाख रुपए मांगे गए हैं। अन्य खबर में बताया गया कि कैसे पीएम मोदी की रैली में बसें लगने के बाद सवारियों के लिए बसों का टोटा हो गया, सवारियों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए बसें नहीं मिल रही हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लॉकडाउन के दौरान जब दिल्ली से लाखों श्रमिक भाई बहन पैदल चलकर उत्तर प्रदेश में अपने गांव की तरफ लौट रहे थे, उस समय भाजपा सरकार ने श्रमिकों को बसें उपलब्ध नहीं कराई थी, लेकिन पीएम और गृह मंत्रियों की रैलियों में भीड़ लाने के लिए सरकार जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बने करीब 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सुल्तानपुर में उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि वहां रैली में भीड़ को पहुंचाने के लिए सरकारी बसों को लगा दिया गया है। सुल्तानपुर के आसपास के बस स्टेशन खाली पड़े हैं। वाराणसी और फैजाबाद के बस स्टेशन पर भी कुछ ही बसें नजर आ रही हैं। सवारियां वहां पर बसों का इंतजार कर रही हैं। विपक्ष का दावा है कि 2000 राज्य परिवहन की बसों का इस्तेमाल रैली में भीड़ लाने के लिए किया जा रहा है।